किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में अगर 300 रुपया प्राप्त होता है, यदि वह राशि 40% अधिक होती है तो उतने ही समय में उतना ही दर से कितना रुपया ब्याज मिलता है। यानी पहले इसका मतलब समझिएगा फिर डायरेक्ट हम लोग बनाए। अगर मेरे पास 10,000 रुपया रहता है बनाने के लिए, देखिए उसके बाद मतलब बताएंगे कि क्या है। होता क्या है कि 300 रुपया अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो जितना परसेंट अगर आप पैसा को बढ़ाएंगे आपका ब्याज ऑटोमेटिक उतना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मेरा राशि 40% बढ़े, तो 40% अगर राशि को बढ़ाइएगा तो 40% आपका ब्याज बढ़ जाएगा। तो पहले ब्याज मिलता था 300 रुपया, अब 40% बढ़ जाएगा। 40% वृद्धि 140/100, 10% वृद्धि 110/100। तो पहले ब्याज 300 मिलता था, अब 40% और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपना मूलधन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी राशि को बढ़ाना चाहते हैं। तो जितना परसेंट राशि हम बढ़ाएंगे उतना परसेंट मेरा ब्याज बढ़ेगा। तो मैं राशि को 40% बढ़ाना चाहता हूं तो मेरा ब्याज भी 40% ही बढ़ेगा। तो 14 दिया ब्याज 420 रुपया हो जाएगा। अब इसका मीनिंग समझिए, अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो और रेट 10% हो तो 10,000 रुपया पर 10% के हिसाब से मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1,000। ठीक है, ब्याज कितना मिला? 1,000 रुपया। रेट रखना चाहता हूँ, टाइम सब सेम रखना चाहता हूँ, सिर्फ मूलधन बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं मूलधन बढ़ा दे रहा हूँ 50%। मूलधन में 50%, तो खैर 50% आपको साफ दिखेगा लेकिन लिख के दिखा रहा हूँ। मूलधन में जैसे ही 50% बढ़ाऊंगा ये हो जाएगा 15,000। तो मूलधन मेरा पहले कितना था? 10,000 था। 50% मूलधन बढ़ाए तो कितना मूलधन हो गया? 15,000। तो नियम कहता है कि अगर आप मूलधन जितना परसेंट बढ़ाइएगा आपका ब्याज भी उतना परसेंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो मैं मूलधन 50% बढ़ाया, मूलधन में 50% बढ़ाया, मूलधन 50% बढ़ाया हूँ। तो अगर मैं मूलधन 50% बढ़ाया हूँ तो मेरा ब्याज कितना परसेंट बढ़ेगा? 85% बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ से 50% यहाँ से बढ़ाया है, तो 50% जब मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 15,000। अगर मेरा 15,000 रुपया रहा होगा तो 15,000 रुपया 10% के हिसाब से क्या है? 1500 है। क्या है? 1500 रुपया। तो अगर 1500 रुपया है, जो चीज मुझे 1000 मिलता था वो कितना मिल रहा है? 1500 रुपया मिल रहा है। तो 1500 रुपया मिल रहा है तो मैं मूलधन कितना परसेंट बढ़ाया हूँ? मूलधन बढ़ाया हूँ 50%। तो मेरा ब्याज देखिए तो कितना परसेंट बढ़ा होगा? ब्याज भी 50% बढ़ा होगा। तो पहले ब्याज कितना मिलता था? 1000। 1000 का अगर हम 50% वृद्धि करेंगे तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1500। ब्याज मिलेगा 1500। तो देखिए ना हम क्या किए, पहले मुझे 10,000 रुपया था तो 10,000 पर 10% के हिसाब से 1000 मिलता था। अब मैं अपना मूलधन में 50% बढ़ा दे रहा हूँ तो 50% जैसे ही बढ़ाऊंगा मूलधन चला जाएगा 15,000। तो मैं मूलधन ना 50% बढ़ाया हूँ तो मेरा ब्याज भी 50% बढ़ना ना चाहिए, तो बढ़ रहा है। देखिए पहले ब्याज कितना मिलता था? 1000। अब मूलधन 15,000 है तो 15,000 का जितना परसेंट था सेम रेट रखना है। तो 10% अगर हम 15,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 1500। तो इसका मतलब है कि ये अगर 1500 हो रहा है तो पहले ब्याज कितना मिलता था? तो पहले मिलता था 1000। तो 1000 से 50% ब्याज भी बढ़ा होगा तो बढ़ करके कितना आया? 1500। इम्प्रूव हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम मूलधन जितना परसेंट बढ़ाएंगे मेरा ब्याज अपने आप उतना परसेंट बढ़ जाएगा। तो मुझे अब सवाल को फिर से समझिए, रेट सेम रखना है, टाइम सेम रखना है, सिर्फ मैं अपना मूलधन 40% बढ़ाऊंगा। तो मूलधन अगर मैं 40% बढ़ाऊंगा तो मेरा ब्याज जो भी रहा होगा उसका 40% अपने आप बढ़ जाएगा। तो मुझे ब्याज मिलता था 300 रुपया, तो 300 का 40% ही बढ़ जाएगा क्योंकि पता चल गया कि मूलधन में वृद्धि करने से ब्याज अपने आप वृद्धि हो जाता है। तो 40% वृद्धि 14 दिया 42, 420 रुपया। तो जो आप मूलधन में वृद्धि करेंगे वही आपका ब्याज में वृद्धि। तो 40% मूलधन बढ़ाए तो ब्याज भी 40% बढ़ेगा।
देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु पर दो प्रकार का एमआरपी रखेगा, एक नगद वालों के लिए और दूसरा 6 माह तक उधार के लिए, और इन दोनों का रेशियो बताना है, मूल्य का एमआरपी का अनुपात क्या होगा। अगर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.14% 6×24 और 25/4%। देखिए, ये एकदम महानगर में सिर्फ चलता है, छोटा मोटा जगह पर नहीं। छोटा मोटा जगह पर अगर आपको उधारी चाहिए तो उस पर ब्याज नहीं लेगा, आपको उधारी ऐसे ही दे देगा। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा जगह पर, जैसे खासकर दिल्ली वगैरह जगहों पर, वहां पर एक सिस्टम लागू है। आप नया आदमी वहां जाकर के आप रहिए, मतलब नया का मतलब आपका कुछ पोस्ट होना चाहिए, तो वो आपके पास उस वहां पर जितने दुकान लोग होंगे घर पे आएंगे, आपके रूम पर आएंगे और एक तरफ से लिस्ट बना करके दे देंगे कि जितना सामान चाहिए आप ले जाइए, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। तो वो ब्याज कुछ इस प्रकार से ले रहा है। तो दो प्रकार का एमआरपी है, एक नगद के लिए और दूसरा उधार के लिए। तो नगद के लिए जितना एमआरपी लिखा है उतना में ही बेचेगा वो, लेकिन उधार के लिए एमआरपी से ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर ब्याज बनेगा। तो अब मान लेते हैं कि नगद, एक बनाते हैं नगद और दूसरा बनाते हैं उधार। अब बताइए हमको कि नगद अगर एमआरपी 100 रुपया है तो 100 का सामान 100 में बिक गया, लेकिन जब हम उधार लेने जाएंगे तो 100 का सामान जो है वो तो लगेगा ही, इसी 100 रुपया पर इतना परसेंट वार्षिक दर से 6 माह का ब्याज चलेगा। तो ये माह है, पहले शुरू में बता चुके हैं कि मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 1200, ये हम 12 से भाग दे दिए। अभी ध्यान दीजिएगा, ये ब्याज है और ये मूलधन, ब्याज और मूलधन बनके मिश्र धन, वही ना चुकाइएगा। 100 रुपया तो उसका दाम खुद अभी है नगद का, अब इस 100 रुपया पर इतना परसेंट के हिसाब से 6 महीना में कुछ ना कुछ ब्याज आपसे लेगा। तो ये मूलधन जोड़ ब्याज ये चुकाना होगा उधार वालों के लिए और ये नगद वालों के लिए। कटने लायक है उसको काट सकते हैं, 6×12 4 से काटिएगा 25 बार। तो ये रहा मेरे पास 2, बाकी कहीं ठीक है ना जी, मिस्टेक नहीं ना है, ठीक। तो अब यहाँ पर जब ये है तो ध्यान रखेंगे 6 माह के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में, हाँ 100 ही बाकी था। ब्याज बराबर क्या है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ये महीना था, महीना को साल में बदलने के लिए आपको 12 से भाग देना होगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर क्या कटेगा, 25×6 4×8 8 यहाँ 100 में गुना तो 800 और 25। तो 100 है और ये है 825 बटा में 4×8 8×8 होके यहाँ जाएगा, तो ई बनेगा 800 और ई बना 825। 25 से काट लीजिए इसको, ये 32 बार में कटेगा और ये 33 बार, यानी इनके मूल्य का जो रेशियो बनेगा ना वो 32:33 बनेगा। एक बार फिर से, नगद हम मान लेते हैं कि उसका एमआरपी 100 रुपया रहेगा, 100 में ही मिल जाएगा आपको, लेकिन जब आप उधार लेने जाइएगा तो जो कीमत है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा इस पर ब्याज लगेगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। 6 महीना है, महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने पर आएगा 32:33, इनके एमआरपी यानी मूल्य का जो अनुपात होगा वो 32:33 हो। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, एक इसलिए बताएंगे क्योंकि जब इस टाइप का हिंट्स देगा तो ऐसे ही बन जाएगा, ओरली बन जाएगा, और दूसरा अगर हिंट्स नहीं देगा तो पूरा सॉल्यूशन करके बनाना पड़ेगा। तो आप दोनों देख लेंगे। कोई राशि 8% दर से 3 साल में 1680 हो जाती है, हो जाना बन जाना का मतलब मिश्र धन। उसी राशि पर 8% दर से 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो आर का मान क्या है? देखिएगा यहाँ जो है नहीं, ये हिंट्स दे दिया, 3 महीने का साधारण ब्याज 40 रुपया। तो साधारण ब्याज बराबर होता है आर गुने पीटी, ये सिखाए हैं। साधारण ब्याज 3 महीने का साधारण ब्याज कितना? 40 रुपया। तो साधारण ब्याज बराबर आर गुने टी, आर नहीं पता लेकिन टी तो पता है, 3 महीने में होता है, तो इसका मतलब 40 बराबर आर गुने 3 तो यहां जाएगा, तो आर बराबर आया 40/3 यानी 13.1/3%। ये रहा, ऐसा कोई क्लू देगा तो, कुछ भी नहीं देगा तो पूरा प्रोसेस से बना लेते हैं ताकि कुछ भी पूछेगा तो आपसे बन जाए।
ब्याज 3 महीने का ब्याज दिया, 3 महीने के ब्याज के हिसाब से निकाल लिए, ब्याज बराबर आर गुने टी, टी के जगह 3 रखेंगे, 40 में 3 से भाग देंगे, 13 × 1/3%। अब देखिए बेसिक से कैसे बनेगा, तो बेसिक से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि एक सफर तय करना पड़ेगा। 3 महीने का साधारण ब्याज 40 रुपया दे रहा है और मिश्रधन आपको 1680 रुपया दे रहा है 3 साल का, तो 3 महीना से 3 साल पर जाना पड़ेगा। तो मैं लिख के बना देता हूं, बाकी यहां शॉर्ट बन गया। देखिए 3 माह का ब्याज 40 रुपया, तो 12 महीना का ब्याज, 12 महीना मैंने 1 साल, तो 12 महीना पुराने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से, तो इधर भी गुना 4 से, तो 12 महीना मैंने 1 साल, 1 साल का ब्याज 4×16=160 रुपया, तो 1 साल के ब्याज पर पहुंच गए, हमको 3 साल पर जाना है, तो 1 साल का ब्याज 160 रुपया, तो 3 साल का ब्याज 160 × 3, 16 × 48, 480 रुपया। आप बताइए 3 साल में 480 मिलता है और उसका मिश्रधन हमको 1680 होता है, मिश्रधन में से ब्याज घटाने पर क्या मिलेगा, मूलधन, मिश्रधन में से ब्याज घटाने पर मूलधन, तो हम मूलधन यहां से निकाल ले रहे हैं, तो मूलधन मिश्रधन 1680, ब्याज आया 480, मूलधन कितना आ गया 1200। तो आपको तो फॉर्मूला कुछ भी पूछेगा, ब्याजे बराबर बताए हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, तो ब्याज देखिए ब्याज है हमारे पास 480, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय 3 साल, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर नहीं पता बटा में 100, 00 खत्म, 12×14=48, 3 नीचे, आर बराबर 40/3, 13×1/3%। एक बार फिर से 3 महीना में 40 रुपया, तो 12 महीना, 12 महीना मैंने 1 साल, 12 महीना पुराने के लिए 4 से गुना, तो ये भी 4 गुना, तो 12 महीना मतलब 1 साल में 160 रुपया, तो 3 साल में 480 रुपया, 480 रुपया 3 साल में, तो 1680 रुपया मिश्र धन है, मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे मूलधन आएगा 1200, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 3 महीने का ब्याज 40 रुपया, ब्याज बराबर आर गुने टी, टी यहाँ 3 महीना है, 3 नीचे रखेंगे, 13×1/3%, दोनों तरीके से आएगा। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से 200 रुपया कर्ज लिया, ध्यान से समझिए, एक वर्ष के अंत में उसने 100 रुपया वापस किया, 2 वर्ष के अंत में उसको और कितना देना पड़ेगा, ध्यान से, ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में जो पैसा हम रखेंगे सिर्फ उसी का ब्याज देना है। तो पहला चीज हुआ कि हम उससे 200 कर्ज लिए, तो 200 रुपया कर्ज लिए और 1 साल के बाद 100 रुपया चुकाए, तो 1 साल के बाद ना चुकाए उसका 200 रुपया तो हम 1 साल रखे ना, तो 200 रुपया पर 1 साल में 5% के हिसाब से 10 रुपया ब्याज, ठीक, चूंकि हम 200 लिए हैं तो 1 साल बाद ना चुकाए हैं 100, तो उसका 200 रुपया 1 साल हम रखे हैं ना, तो 100 रुपया हम नहीं 200 रुपया हम रखे हैं, उसका 200 लिए हैं और 1 साल बाद 100 रुपया रिटर्न किए हैं, तो उसका हम 200 रुपया 1 साल रखे, तो जितना रखे हैं उसके हिसाब से ही सिर्फ ब्याज लेगा क्योंकि साधारण ब्याज है, तो 200 रुपया पर 1 साल में 5% के हिसाब से 10 रुपया ब्याज लगेगा। अब उसका 100 वापस कर दिए, तो 100 वापस कर दिए तो 100 रुपया ना रखे, तो 100 रुपया फिर एक ही साल रखेंगे और 5% के हिसाब से यहाँ भी कुछ ब्याज लगेगा, तो ब्याज लग गया 10 नहीं यहाँ सिर्फ 5 रुपया, तो पूरा ब्याज मिला 10 और 5 = 15 रुपया और 100 रुपया रखने किए हैं, तो 100 रुपया और 15 रुपया 115 रुपया आओ वापस करना पड़ेगा इसका। फिर से 200 रुपया आप लिए हैं 1 साल तक रखेंगे, तो 200 रुपया पर 1 साल में 5% के हिसाब से 10 रुपया ब्याज, अब उसका 100 वापस कर रहे हैं तो 100 रुपया ना रखे, अब 100 रुपया पर 1 साल में 5% के हिसाब से 5 रुपया ब्याज, तो उसका ब्याज लगा 15 रुपया, 100 उसी का वापस रखे हैं आप, तो 100 रुपया और रखे थे और 15 रुपया उसका ब्याज बन गया, तो 100 और 15 115 रुपया लास्ट में उसको आपको चुकाना पड़ेगा। संतोष अजय को 12,000 रुपए 6×1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कर्ज दिया, 9 माह बाद अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी संतोष को वापस कर दिया, घड़ी की मूल कीमत क्या है, देखिए
इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है, जबकि इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन कई बार प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, ये सवाल आपको कई बार दिखेगा। कुछ है नहीं इसमें, क्या है थोड़ा सा हिडन चीज है। क्या हुआ है कि अजय ने संतोष को मूल राशि और ब्याज के रूप में घड़ी दिया, तो घड़ी का जो कीमत है वो ब्याज ही है, तो सिर्फ आपसे ब्याज निकालने को कहा, बस लैंग्वेज केवल घुमा दिया। तो घड़ी का जो कीमत है वो ब्याज है, तो आपसे ब्याज पूछा है तो केवल ब्याज बराबर लगा दीजिए। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, 6×24 और 25 बटा में 4। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। लेकिन ये 9 महीना है, महीना को साल में बदलने के लिए आपको 12 से भाग देना होगा। तो 12 से भाग लीजिए, 00 यहां से कैंसिल, 12 से 10 बार में और नहीं कटेगा पूरा पूरी, 2 बार में 5 बार में 125 गुने 9 कितना 1125 बटा में 2 562.5। ब्याज के रूप में 562.50 वो चुकाया है, लेकिन पैसा ना दे करके उसी पैसे का घड़ी खरीद के दे दिया, तो था तो ब्याज ही ना, तो ब्याज बराबर ही पूछा है आपसे, बस घुमा के पूछा है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे, आंसर आएगा ऑप्शन ए। 10 रुपए की एक राशि इस शर्त पर उधार दिया गया है कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपए प्रति किस्त के रूप में चुका देना होगा। तो 1 रुपए प्रति किस्त के रूप में अगर चुका देना होगा तो 11 किस्त में लौटा देना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इससे पीछे वाला किस्त वाला सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये ए ग्रेड का सवाल करता है, मेंस लेवल का है, लेकिन एसएससी जीडी में भी रेलवे में भी हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है आजकल। इसको मैं पूरा बेसिक से बना दे रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा बना दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जो दोबारा मैं जैसे बनाऊंगा वैसे आप भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए, याद करिए, तो किस्त वाले सवाल में बोले थे कि जितना किस्त में आपको चुकाना है उससे 1 कम पर ब्याज लगेगा, मतलब अगर 4 किस्त में चुकाना है तो 3 पर ब्याज लगेगा, 10 किस्त में चुकाना है तो ब्याज 9 पर लगेगा, और हमको 11 किस्त में चुकाना है तो ब्याज कितना पर लगेगा, 10 पर लगेगा। तो अब थोड़ा सा सुनिए, पैसा कितना लिए है 10 रुपया, देना कितना है 11 रुपया, तो ब्याज कितना लगा 1 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज है। तो 1 रुपया अगर ब्याज है तो ब्याज बराबर ही ना लगेगा फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, लेकिन ये कहां तक जाएगा, 10 किस्त तक, 11वां पर ब्याज नहीं लगेगा। तो अगर हम पहला किस्त इसको देंगे तो 1 रुपया हम चुकाएंगे, 1 रुपया ऐसे रिवर्स होता है, 10 से शुरू होता है, 10, 8, 9, 7, 1 तक जाता है, लेकिन मुझे चूंकि फॉर्मूला लगाना है इसलिए मैं 1 से शुरू करता हूं। जैसे देखिए होता क्या है ना, जब हम उसको 1 रुपया चुकाएंगे, 1 रुपया, जैसे हमको 11 रुपया देना है क्योंकि हर एक किस्त पर 1 रुपया, तो 11 किस्त पर 11 रुपया, लिए हैं 10 रुपया, देंगे 11 रुपया, तो ब्याज 1 रुपया लगा, लेकिन जब हर किस्त को जब हम चुकाएंगे 1 रुपया देंगे तो 10 वो किस्त और बचल रहेगा, तो 10 वो किस्त मतलब 1 रुपया देंगे तो 10 रुपया और बचेगा उसका, और उस 10 रुपया पर ब्याज लेगा ना वो हमसे, तो 10 रुपया पर ब्याज लगेगा, फिर अगला बार में 1 रुपया और देंगे तो 9 रुपया पर लगेगा, फिर 8 रुपया पर, 7 रुपया पर, एक जाते जाते 1 रुपया तक चल जाएगा। तो जब हम उसको 1 रुपया चुकाएंगे ना तो बचेगा उसका 10 रुपया, और इसी 10 रुपया पर वो ब्याज जोड़ेगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय आपको एक साल में कर देना है नहीं, एक किस्त में चुकाना है, महीना पर ही चल जाएगा, हर महीना दे देना होगा आपको, हर महीना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक किस्त में देना है, 10 रुपया मूलधन, मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, एक एक महीना चलेगा क्योंकि हर एक महीना पर दे देना होगा आपको, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर पत्नी बटा में 100, लेकिन ये महीना है, महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग, ये प्रोसेस। अब 10 रुपये दे दिए तो बचा 9 रुपया, 9 पर लेगा ना ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने, एक ही महीना का ना लगेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100,
और 12 से भाग देंगे क्योंकि महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। अब इस जगह पे रुक करके अब डायरेक्ट लास्ट में जाते हैं। हमको पता है 11 किस्त में चुकाना है तो हमको 10 पर ब्याज लगेगा, 10 पर ब्याज लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ 10 से शुरू किया है। तो 10 से शुरू किया है तो लास्ट क्या होगा, 1। तो ये डॉट 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 1 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, 12 से यहाँ चेंज। अब आपको पता होगा कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई दे तो आप उसको कॉमन लीजिए, आप उसको कॉमन लीजिए। तो एक तो हमारे पास यहाँ है, ये देखिएगा, ये 1200 तो दिख रहा है ना, सब में है ना, तो आप 1200 मतलब केवल 1200 नहीं, 1/1200 आप कॉमन लेंगे, तो 1200 कॉमन लेंगे तो बचा 10। आगे एक चीज आओ, आर भी तो सब में है ना, आर रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या बचा, 10। आगे ये प्रोसेस 1 तक। अब इस सवाल के लिए आपको नंबर सिस्टम का पहला सवाल, लगातार संख्याओं का योग प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। प्रथम पद या आप लोग जो फॉर्मूला जानते हैं n(n+1)/2, n माने लास्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म, तो इसका लास्ट टर्म 10, उल्टा कर दिए हैं 10। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो n(n+1)/2, तो ये वाला चीज हमको अलग से करना होगा। तो इसका n क्या है, 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बटा में 2 कितना, ई प्रोसेस का वैल्यू 55 रख दीजिए। तो ई आप गुना करिएगा तो 1200 यहाँ बराबर 1 गुने आर गुने ई कितना लाए 55 नीचे ना, तो आर बराबर 1200 बटा में 55, 5 से काटिए 11 बार, 5 से 24 होता है ना, 24 बचे 120 होता है ना, ठीक। अब 11 से तो 11 दुना 22, 2 बचा 11, एकम 11 बचा 9, 21.9 बटा 11% है। अगर इस सवाल को घरे बहुत बढ़िया से मेहनत करके नहीं बनाए तो एग्जाम में आपसे बहुत लेंदी प्रोसेस में जाएगा। एक बार फिर से देखिए, 10 रुपया 11 किस्त में देना है, 10 रुपया 11 किस्त में देना है, हर इंस्टॉलमेंट 1 रुपए का, तो हर इंस्टॉलमेंट 1 रुपया का, तो 11 इंस्टॉलमेंट 11 रुपया, 10 रुपया लिए हैं, 11 रुपया देना है, ब्याज 1 रुपया लगा, तो 1 रुपया ब्याज है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। किस्त वाला में क्या होता है कि अगर हम 11 किस्त दे रहे हैं तो 10 किस्त पर ब्याज लगेगा, अगर हम 15 किस्त दे रहे हैं तो 14 किस्त पर लगेगा साधारण ब्याज में, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो जब हम 10 रुपया दिए होंगे, 1 रुपया दिए होंगे, तो उसके पास 10 रुपया बचा होगा, और 10 रुपया पर वो एक महीना में जितना ब्याज लगेगा वो जोड़ेगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। एक महीना है, महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, 10 रुपया बचा, अगला बार 9 रुपया डॉट 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 करते करते 1 रुपया जाएगा। आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लिए, 1200 कॉमन ले लिए, ये 1, 2, 3 करके 10 तक गया। लगातार संख्याओं का योग n(n+1)/2, तो 10 और 1 11 बटा में 2 यानी 55, तो ये वाला प्रोसेस 55 आया, इधर भेजिए। अब आप अगर प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे तो सिर्फ पहला स्टेप इतना दिखाएगा और ये वाला स्टेप दिखाएगा। जैसे देखिए, अगर आप सब कुछ सीख गए तो आप ये समझेंगे कि हम तो सब कुछ जानिए गए, और सब कुछ जान गए तो 10 का चीज 11 रुपया यानी ब्याज 1 रुपया, और 11 किस्त में देना है तो 10 पर भी ब्याज चलेगा, तो 10 पर जब ब्याज चलेगा तो ये महीना वाला सिस्टम है, तो महीना वाला सिस्टम का मतलब हुआ कि ब्याज अरे रेट हमको पता नहीं, तो रेट तो हमेशा रह दे करेगा, नीचे 100 आता है और 12 से भाग दिया जाता है यानी 1200 रहेगा। अब ये वाला जो प्रोसेस चलेगा वो 1, 2, 3 डॉट 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 10 तक जाएगा। अब लगातार संख्याओं का योग 10 तक गया तो 10 और 1 11 बटा में 2, 11 5 55। अब ये रहा 55 आपके पास यहाँ, अब 55 रहा तो आपको पता ही है कि 11 बार में कटेगा, और 1 × 5 × 10 5 × 20 11 से काटेंगे ऊपर भेजेंगे, तो आर बराबर 240/11 यानी 21.9/11% रेट है। आजकल के एकदम VVI सवाल चल रहा है, SI में ये जरूर डाल देता है, इसलिए ध्यान रखें।